ऐसा कभी नहीं होगा अर्जुन कि तुम मुश्किल में हो और मैं वहां नहीं रहूं। बस उसे ये भरोसा दिला रही थी कि मेरे होते हुए इस केस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह एहसान, मजा ही आ गया आज। मतलब माया ने जो थप्पड़ मारा ना पुलिस वाले को, उफ, उड़ते हुए गया वहां तक। चलो अब ये तो हुआ कि मेरी जवानी वेस्ट नहीं हुई, अब मेरे पास बुढ़ापे के लिए किस्से तो है। आपने जो भी किया, जैसे भी किया, आई डोंट नो, बट थैंक यू सो मच। आयान मेरी जान है, उसको इस तरह पुलिस स्टेशन में देखकर मेरी बैंड बज गई थी, बट आप आ गए, आपने संभाल लिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो अर्जुन, उसे कुछ नहीं होता और ना ही कुछ होगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनों की खुशियों के लिए दुनिया पलट सकती हूँ, और तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दे दी है। तुम रिश्ता बनाओ या ना बनाओ, मैंने तुमसे रिश्ता बना लिया है। तुम अपने रिश्ते निभाओ और मैं अपने रिश्ते निभाऊंगी। रिश्ते अच्छे निभाती हैं आप। टेल मी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लिमिट में। अच्छा। जोक्स अपार्ट, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, नॉन वेज, वेज, एनीथिंग। रियली? यप। आपके लिए शॉपिंग करूँ? परफ्यूम, क्लोथ, वो सब तो आपके पास ऑलरेडी होगा, मैं जानता हूँ। Anything, आप जो बोलोगे मैं आपके लिए रेडी हूँ। अर्जुन सीरियसली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप सोच लीजिए, आपको कुछ भी चाहिए हो जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा। यू टेक योर टाइम। सुकून चाहिए। सुकून? सुकून, पीस, शांति, कॉल इट व्हाटएवर, वो दो क्या? सुकून कोई और कैसे दे सकता है? ये कोई मार्केट में मिलने वाली चीज थोड़ी ना है। भाई साहब, 2 किलो सुकून दे दो। इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। तुम्हें अपना सुकून कहाँ मिलता है? दिखाओ, आइए। वहां अरे वहां नहीं, वहां तो फाइनल सुकून मिलता है, वहां मेरी बिल्डिंग के छत पर, शांति स्पॉट। शांति स्पॉट? खुली खुली हवा, ठंडी ठंडी हवा, खास मूड के लिए, खास जगह। मुझे इस स्पेशल जगह पर ले जाओगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बताइए कब? अभी। अभी? इधर दे, आज नहीं कभी नहीं। ये तेरे सारे महंगे फोन, तेरी सारी अमीरी जादी, सब बंद। माँ प्लीज ये सुमन को समझाओ ना। आंटी बोल। आयान, सुमन बिल्कुल सही कह रही है, आज से तुम्हारे सारे शौक बंद। माँ छोटी सी तो गलती की थी। छोटी सी गलती? तेरी उम्र के बच्चे ना कॉलेज जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अमेरिका के ट्रिप्स लगाते हैं, ना कि ये कि जेल की हवा खा के आए। बड़े बड़े लोग जाते हैं जेल। माँ बता। आयान बस बहुत हो गया, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आयन, तुमने सोचा भी है आज अगर तुम्हारी बेल नहीं होती तो हम सबका क्या होता? आयन, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो। कब अपनी जिम्मेदारियां समझोगे? कब अपने भाई जैसे बनोगे? इम्पॉसिबल आयन, क्योंकि अगर मैं भाई बन गया तो भाई को कोई नहीं पूछेगा। राय, तुझे सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है ना? तुम्हें जोक्स मारने का इतना ही शौक है ना, तो जब नौकरी ढूंढने जाओगे ना, तब जाके उन्हें ये जोक्स सुनाना। सांझ प्लीज, इन माताओं को समझा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आयान ना वंदना ना, तू टेंशन मत ले, अपनी सांझ है ना,
आज बेल करा दी है, कल वो केस लड़के जिता भी देगी। सांझ का ना थैंक यू बोल, जिसने इसकी बेल करा दी। बेल मैंने नहीं, माया ने करवाई। क्या? पर सांझ तुम तो? मैं कुछ नहीं कर पाई आंटी, माया के कॉन्टैक्ट्स और उसके पैसे काम कर गए। अर्जुन कहाँ है? वो क्या ना आंटी कि तीन लोग एक साथ एक स्कूटी में कैसे आ सकते हैं, इसलिए अर्जुन माया की लंबी सी गाड़ी में आ रहा है। भाई भाई जल्दी आ, ये लोग मुझे बेलन से मार रहे हैं। तू आ जाएगा तो दोनों मिलके शेयर करते पिटाई। आन, दस की तेरे आसपास? हाँ बात कराऊं क्या? ए निकम्मे, बात मत करवा, दूर जा उससे, दूर है? है नहीं, उससे दूर जा। हाँ ओके। सांझ वो तू इन लोगों को बेल की कहानी बता ना, अच्छे से बताइए। मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब अंदर जा रहा हूँ और फिर बाहर आता हूँ। ओके क्या हुआ सांझ के लिए? कोई सरप्राइज है क्या? हाँ बहुत बड़ा सरप्राइज है। माया शांति स्पॉट जाने के लिए बोल रही है। हैं? क्या बात कर रहा है? शांति स्पॉट पे? तेरे और सांझ के शांति स्पॉट पे? हाँ भाई, वो वहाँ पे उस चीनी की बोरी शुभ को भी नहीं आने देती है और तेरे खुद के भाई को नहीं आने देती है। तू तो उस माया की बात कर रहा है? जानता हूँ, बट क्या करूँ, अगर माया को जाना है तो मैं कैसे मना करूँ, वो भी अभी, उसने अभी तेरी बेल करवाई है। और क्या बोलूं? हाँ बाय, गुड नाइट। भाई मुझे एक बार बताइए, शांति स्पॉट के बारे में उसने बताया किसने? मैंने बताया उसको, उसने मुझसे पूछा तुम्हें सुकून कहाँ मिलता है। मैंने बोला मुझे मेरे टेरेस पे मिलता है, तो उसने बोला मुझे अभी ऊपर जाना है। भाई अगर तू उसे शांति स्पॉट पे ले गया ना तो सांस तुझे ऊपर से भी ऊपर ले जाएगी। तू कैसी बातें कर रहा है, वो तेरा और सांस का स्पेशल एरिया है, और स्पेशल जगह पे तू एक स्पेशल लड़की को लेके जाएगा, वो भी माया को। भाई भाई तू मुझे मरवाएगा यार, सांझ तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को भी नहीं खिलाएगी अगर उसे इस चीज की भनक पड़ गई तो। सीरियसली बोल रहा हूँ तुझे ये बात, तू उसे पता नहीं चलने देगा क्योंकि तू चौकीदार बनेगा। इसीलिए तुझे मैंने फोन किया है। दस्की को घर से टरका। भाई मैं पर गया तेल लेने। अब ज्यादा बोलेगा ना, माया को बोलकर उसी पुलिस स्टेशन भेज देना होता इंस्पेक्टर के पास, समझा? चल बाय बाय बाय। चले वो मिस्टर मलकानी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन सबने कहा कि मंडे को आना, और मंडे तो आया नहीं, लेकिन मैं आ गया। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। चलो चलो आप लोग सो जाओ, आप लोग भी थक गए होंगे। सांझ सांझ तू भी थक गई होगी ना यार, चल ना घर चल, सोते कल इस बारे में कल बात करते हैं। चलो। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, तेको नींद आ रही, तू जा सो जा, मैं यही अर्जुन का वेट करूंगा। भाई माया के साथ बिजी है, वो आ जाएंगे, तुम्हें नींद नहीं आ रही है कि? चलो अगर तू सोएगी नहीं ना तेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, काले घेरे आ जाएंगे तो तू बुढ़िया लगने लगेगी, लोग तुझे बुढ़िया 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 बोलने लगेंगे। चलो 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 चल सांझ, चलो सुबह चल भाई तू बोरी, चलो 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 चलो। आयान हाँ? अब तेरे को बड़ी हमारी फिक्र हो रही है। अरे अब तब क्या, जब नींद है जब टेंशन है तब अच्छा है। चलो गुड नाइट, नींद आ रही मुझे, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चलो चलो चलो। अर्जुन कब आएगा? अर्जुन को थोड़ा लेट हो जाएगा, उसने मुझे फोन करके ये बोला है कि माया की गाड़ी खराब हो गई। समझा करो बात को, मुझे नींद आ रही है बहुत जोर से, चलना सांझ प्लीज, बाय गुड नाइट। अर्जुन कहाँ है?
ये है हमारा शांति स्पॉट। यहाँ पर खड़े खड़े शांति मिल जाती है। यहाँ सब मिलता है। अर्चन क्या करे? जहां दिल चाहे वहां जगह बना लीजिए। क्या लेंगे आप? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी? सुकून। ऐसी क्या खास बात है इस जगह में? खास बात इस जगह में नहीं, यहाँ बनाए गए रिश्तों में, बिताए गए लम्हों में अक्सर हम वो ढूंढते हैं लाइफ में जिसकी हमें कमी हो, और जाने अनजाने में जिंदगी वहीं ले आती है जहां वो कमी पूरी होती है। आपको पता है मैं डस्की को सबसे पहली बार यहीं मिला था। दुनिया से बहुत दूर ये मेरी और डस्की की दुनिया है। यहाँ डस्की और मैं सिर्फ डस्की और डफर बन के रह सकती हूँ। एक ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना तो उन्हें लाइफ में किसी की भी जरूरत नहीं होती। आपको पता जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना तो मैं यहाँ पर आके बहुत 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 रोता था, क्योंकि दुनिया के सामने तो रो नहीं सकता, दुनिया के सामने तो स्ट्रांग रहने का दिखावा करना पड़ता है, बट यहाँ पर कोई दिखावा नहीं करना पड़ता। यहाँ पर सिर्फ मैं अर्जुन शर्मा बन के रह सकता हूँ। नो हीरो, नो फनी गाय, जस्ट अर्जुन शर्मा। जब दुनिया मुझे थका देती है ना तो मुझे यहां पर आके बहुत सुकून मिलता है। बट माया, आपको कौन थकाता है? कामयाबी आपके पैर छूती है, पैसों की कोई कमी नहीं है, एक मां है जो आपको इतना प्यार करती है, तो फिर आप सुकून क्यों ढूंढ रही? क्योंकि पैसे, कामयाबी, रिश्ते, इन सब के बीच मुझे माया बनने की जगह कहीं नहीं मिलती। कभी सोचा है अर्जुन, आसमान में कितने सारे तारे हैं, हर जगह पर चमक है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सोचो कि ये इतने सारे हैं दुनिया में लेकिन दो तारों के बीच का फासला कोई तय नहीं कर सकता।
क्या लाइफ है यार, पहले कैदी, फिर वॉचमैन और ये मच्छर मार। बैठे ओके आइए। सांज, अब कहाँ जा रही है? मेरे दफ्तर से मिलने। कहाँ कहाँ ढूंढेगी उसे? अब घर पहुंचा होता तो कॉल करता ना। वो घर पहुंचा ही नहीं होगा। पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ ना, उससे वो बहुत ही अपसेट था। लोगों के सामने तो बहुत ही कूल बन रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ गया होगा। कहाँ? हमारे शांति स्पॉट पे। मैं चाबी लेकर जा रही हूँ, तुझ तो जाना। ओके बाय। तुम ठीक कहते हो अर्जुन, बात जगह में नहीं होती, वहां बनाए हुए रिश्तों में होती है, बिताए हुए लम्हों में होती है। माया, एक्चुअली अर्जुन, बहुत देर के बाद मुझे सुकून मिला है। थैंक यू। माया, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए माया, उस दिन आपने जो लोनावला में कहा, आपने तो अपनी फीलिंग्स बता दी, लेकिन सुनो मैं पर तुम अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते अर्जुन, देखिए माया। अर्जुन, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी फीलिंग्स, मेरा प्रॉब्लम। तो माया मैं अर्जुन, प्लीज प्लीज कुछ मत कहो, कोई फैसला मत लो। आज अभी इस पल को मुझे जीने दो। बस इतना सा तो दे सकते हो ना, किसी और नाते ना सही, तुम बॉस के नाते। क्या यार, एक तरफ माया तो दूसरी तरफ सांझ। ये मच्छर, इन दोनों से बचूंगा तो डेंगू के मच्छरों में घुसूंगा। ये माया को सुकून कब मिलेगा? माया के सुकून के चक्कर में ना मच्छर मेरा खून पी जाएंगे। एक काम करता हूँ, घर जाके मच्छर की दवाई लेके आता हूँ। हाँ चलो। देखिए माया, बॉस और एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप होती है वो तो हमने कब का पीछे छोड़ दिया।
अब मेरे दोस्तों को मुझसे टाइम मांगने की जरूरत नहीं है, उनका पूरा हक है मुझे, समझे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.